अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। क्या हाल हैं जी सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनों के साथ होंगे और अपनों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं लेकर आई हूँ जी मेरी शॉपिंग व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत छोटे छोटे सामान हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, जो कि यहाँ पर मेला आया हुआ था तो बस वहाँ पर इतनी सारी शॉप्स लगी हुई थी, इतने सारे दुकानें लगे हुए थे। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है बच्चों के लिए, तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में, बस 20 रुपीज़ वाली हैं, कुछ 50 रुपीज़ वाली भी हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए जी रबर है जिसको पीछे से ना आगे पीछे कर सकते हैं। और ये देखिए जी सोप केस, जो कि मेरे पास प्लास्टिक का पहले से था तो कि वो टूट चुका था, तो बस उसके लिए मैंने दूसरा वाला ख़रीदा जो कि स्टील में है और टूटने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ये देखिए जी नारियल क्रश करने के लिए हम इसको वो चोबेदानी बोलते हैं, आप बताएं आप क्या बोलते हैं। और ये देखिए जी मैंने छुरियाँ भी ली हैं दो, टमाटर और प्याज कटिंग करने के लिए, बहुत अच्छी लगी मुझे तो मैंने ये भी लिया था। बस इसका प्राइस है 50 रुपीज़, बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइसेस में मुझे सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो बहुत छोटे छोटे सामान हैं और यूज़फुल सामान हैं घर के लिए। ये देखिए जी डिब्बे, तीन बच्चों के मैंने तीन बॉक्सेस भी लिए थे टिफ़िनों के लिए। कभी कुछ इडली चटनी या फिर डोसा बनाती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि चटनी जो है वो किस में बांधें, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस भी लिए हैं। ये देखिए जी मैंने छन्नी भी ली थी चाय के लिए, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी और प्राइस भी जो इसका था सिर्फ 50 रुपीज़ में था, तो सोचा चले आपके साथ शेयर करें। बहुत कम अमाउंट में आप सारे चीज़ें मिलती है यहाँ पर जब मेले लगते हैं ना। तो ये दो कटोरे भी मुझे बहुत अच्छे लगे, साथ में अम्मी भी आई थी तो अम्मी को भी बहुत पसंद आए ये कटोरे। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं दस्तरखान पे तो ग्रेवी निकालने के लिए या फिर दाल सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कटोरियों में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, तो आप बताना को आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है। और ये जी बच्चों के पाउचेस हैं जिसमें पेंसिल रबर स्केल सारी चीज़ें लगते हैं ना, जिप कर सकते हैं, तो ये बस हमें 15 रुपीज़ में मिली है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं आपको कैसी लगी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सारी चीज़ें कैसी लगी हैं। और ये पानी के बॉटल्स मैंने ख़रीदे और ये क्लिप्स और चूड़ियाँ भी आप देख सकते हैं बहुत कम कीमत में मिले हैं। और ये फिंगर रिंग्स तो सिर्फ 10 रुपीज़ वाली हैं। और ये आप नेल्स देख सकते हैं वो भी 10 रुपीज़ वाली हैं, जो डुप्लीकेट नेल्स जो बच्चे एंजॉय करते हैं लगाने के लिए, तो मेरे बच्चों ने पसंद करके ली है। और ये देखिए जी आप इसको क्या बोलते हैं, ये मुझे तो नहीं पता, हम इस पर रोटियां बनाते हैं, हम बोलते हैं इसको मांडा, मांडा और बेलन, आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि अपने अपने स्टेट्स में अपनी अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं ना इन सारी चीज़ों के, तो ज़रूर शेयर करिएगा। और ये देखिए जी जूड़ा बन जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी लिया हुआ था, तो बस ये शेयर करने लगी हूँ। और ये बारबी क्लिप्स बच्चों के लिए, बस उन लोगों ने पसंद किए थे तो उनके लिए भी ले लिया। सारी पिंस ली थी थोड़ी सी तो मैंने इसको भी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और चूड़ियाँ तो बस 50 रुपीज़ में मिली हैं, दो कलर्स की हैं, जो वाइट हैं वो भी 50 रुपीज़ और ये मल्टी कलर की भी 50, बस 100 रुपीज़ में चूड़ियाँ मिली हैं रेगुलर यूज़ के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो बस ये भी शेयर करने लगी हूँ। रबर बैंड्स क्लिप्स भी मैंने लिए, और क्लिप्स तो आपको बता दूं माशाल्लाह इतनी फ्लेक्सिबल थे ना, इसको ऐसे मोड़ने से टूट नहीं रहे थे, तो मैंने बहुत सारी क्लिप्स ले ली ताकि मेरी बहनों को भी मैं दे सकूँ ना। तो ये देखिए जी इतने सारे क्लिप्स मैंने लिए हैं। और अलियान को जो है उसको वॉच बहुत पसंद आई थी तो मैंने वॉच लिया, और ये वॉच जो है सिर्फ 80 रुपीज़ में मिली है, बहुत ही इसकी कीमत बहुत कम है। आप बताएं आपके वहाँ इतनी कम कीमत में अगर सामान मिलता है तो ज़रूर शेयर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताएं मेरा ये शॉपिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा। अपना और अपनों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, दुआओं में याद रखिएगा। Thank you for watching.